हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, यहाँ पे आप रिकैप वर्जन देख रहे हो, जहाँ पे राधा जी का फेस ड्राइंग हमने ऑलरेडी कर लिया है कलर पेंसिल से। इनकेस अगर आप पार्ट वन पार्ट टू मिस कर गए हो, नहीं देखे हो, जिसमें कि मैं पार्ट वन में आउटलाइन कैसे ड्रॉ करना है बताई हूँ, सिखाई हूँ, एंड पार्ट टू में फेस ड्राइंग कैसे करना है वो मैं सिखाई हूँ। अगर आप नहीं देखे हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आराम से लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हो। तो ये पार्ट थ्री है गाइस, जहाँ पे मैं आपको बेसिकली हेयर ड्राइंग सिखाने वाली हूँ। तो बस वीडियो पूरा देखना, एंड अब बिना देरी के हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे येलो कलर पेंसिल, एंड इससे हम लोग फर्स्ट लेयर ऐड कर देंगे हेयर पार्ट पे। और यहाँ मैं पहले जो फेस पे जो वेव हेयर है उनको मैं पहले ड्रॉ कर ली हूँ, सिंपली जो डिज़ाइन पैटर्न होता है ना वेव हेयर का वो मैं बना ली हूँ। देन मैं अगेन जो ऊपर वाला हेयर है फोरहेड वाला वो मैं बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो येल्लो सेड कर लेने के बाद यहाँ पर मैं ब्लैक कलर पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, एंड जो हेयर का डायरेक्शन है जो पैटर्न है वो मैं फॉलो करते हुए सिंपली इस तरीके से शेड कर रही हूँ। शेड कर लेने के बाद यहाँ मैं येलो कलर पेंसिल यूज़ करी हूँ, एंड उससे मैं ब्लेंड कर दी हूँ। ब्लेंड कर लेने के बाद अगेन मैं यूज़ करी हूँ वाइट कलर पेंसिल एक अच्छा सा हाईलाइट क्रिएट करने के लिए। हेयर को थोड़ा और डार्क दिखाने के लिए मैं यूज़ करी हूँ ब्लैक स्केच पेन, बेसिकली डोम्स का ब्रश पेन है ये, एंड इससे काफ़ी डार्क हमारा हेयर बन जाएगा एंड अच्छा लगेगा देखने में। अगर आप हेयर पे शैडो एंड हाईलाइट अच्छे तरीके से करोगे ना तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपका आर्ट वर्क। इसी तरीके से जो दूसरा वाला साइड है वो भी हम लोग कर लेंगे। सेम प्रोसेस है, पहले येल्लो शेड कलर पेंसिल से शेड करना है, देन यूज़ करना है ब्लैक कलर पेंसिल, उससे हेयर का जो डायरेक्शन है उसको फॉलो करते हुए हमको शेड करना है। देन अगेन ब्लेंड कर देना है येलो से, वाइट पेंसिल यूज़ करेंगे हाईलाइट क्रिएट करने के लिए, एंड अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देंगे। तो इस तरीके से जो ऊपर वाला पार्ट है फोरहेड वाला पार्ट है वो तो हमारा हो चुका है, एंड जो हेयर है ना वहाँ पे इस तरीके का फ्लावर वाला डिज़ाइन बना हुआ है। तो यहाँ मैं रेफरेंस पिक्चर के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, एंड इस पर मैं कलर पेंसिल यूज़ नहीं कर रही हूँ गाइस, इस पर मैं यूज़ कर रही हूँ वाटर कलर, एंड इसे भी काफ़ी ईजिली हो जाता है। एंड यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कैमल का वाटर कलर। सिंपली मैं एक पतले से ब्रश की हेल्प से जो फ्लावर का डिज़ाइन है जो भी है रेफरेंस पिक्चर के अकॉर्डिंग मैं बना दी हूँ। एंड मुझे ये थोड़ा आर्ट वर्क बनाने में काफ़ी टाइम लग गया, थोड़ा जल्दी कंप्लीट करने का मैं कोशिश कर रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे वाटर कलर भी यूज़ कर ली हूँ ताकि थोड़ा कम टाइम में जल्दी से हमारा आर्ट वर्क बन जाए। तो काफ़ी ईजिली यहाँ पे हो पा रहा है जो कि आप देख ही सकते हो। अच्छा, जैसे हमने यहाँ पे कलर पेंसिल में करने के लिए पहले वाइट से शेड करा था, उसी तरीके से यहाँ पे मैं पहले वाइट वाटर कलर यूज़ कर रही हूँ ताकि एक लेयर हमारा बन जाए एंड हमारा जो कलर है ना वो बिल्कुल वाइब्रेंट दिखे। क्योंकि यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं ग्रे स्केचबुक ब्रूस्ट्रो का, ग्रे पेपर है बेसिकली यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरीके से ही करा जाता है। पहले एक वाइट लेयर देना पड़ता है ताकि हमारा कलर है वो वाइब्रेंट दिखे, अच्छा लगे देखने में। तो यहाँ पे ऊपर वाला हेयर वाला पार्ट ऑलमोस्ट हो चुका है, जो यहाँ पे डिज़ाइंस थे फ्लावर्स के वो भी हो चुके हैं, एंड अभी हम लोग जो क्लॉथ वाला पार्ट है ना बेसिकली फॉरहेड पे जो दुपट्टा वाला पार्ट है वो भी हम लोग कर लेंगे। तो दुपट्टे पे एक गोल्डन सा एक पैटर्न था, लेयर था, तो वो मैंने बेसिकली बना लिया। यहाँ पे येल्लो ऑरेंज और ब्राउन यूज़ करके इस तरीके का एक पैटर्न क्रिएट कर ली हूँ, फोल्ड क्रिएट कर ली हूँ। देन सिंपली यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पिंक सेट जो भी अवेलेबल था, पर्पल सेट जो भी अवेलेबल था कलर पेंसिल में। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रूस्ट्रो का कलर पेंसिल। तो इस तरीके से सिंपली हमने एक लेयर ऐड कर दिया जहाँ पे डार्क है, यानी कि शैडो है, यहाँ पे डार्क शेड यूज़ कर रही हूँ पिंक का, एंड जहाँ पे हाईलाइट आ रहा है फॉरहेड वाले पार्ट पे वहाँ पे मैं लाइट शेड यूज़ कर रही हूँ पिंक का। वाइट कलर पेंसिल भी यूज़ कर रही हूँ ताकि थोड़ा कपड़े में साइन दिखे। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुका है, और इस पे थोड़ा फोल्ड्स ऐड करेंगे, शैडो ऐड करेंगे। शैडो ऐड करने के लिए यहाँ फर्स्टली मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू कलर पेंसिल, ब्लू शेड में यूज़ कर रही हूँ, और सिंपली लेयर क्रिएट करते जा रही हूँ ताकि फोल्ड्स दिखे। फोल्ड्स दिखाने के लिए सिंपली थोड़ा सा डार्कर शेड यूज़ करना है ताकि थोड़ा डेप्थ दिखे एंड क्लॉथ का एक पैटर्न हमें मिल जाए। नेक्स्ट यहाँ पे जो ईयर रिंग है वो भी हम लोग बना लेंगे। तो एज़ यूजुअल पहले हमें यूज़ करना है ग्रे टोन्ड पेपर पे फर्स्टली लेयर अप्लाई करेंगे वाइट कलर पेंसिल का। यहाँ पे मैं ब्रूस्ट्रो कलर पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, जो भी कलर पेंसिल है सब ब्रूस्ट्रो का ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा ग्रे शीट पे ना ब्रूस्ट्रो कलर पेंसिल बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि ये वैक्स बेस्ड कलर पेंसिल है।
तो यहाँ पे पहले वाइट लेयर ऐड कर लेने के बाद मैं यूज़ कर रही थी ब्राउन, एंड जो डिटेल वगैरह है वो मैं दी, देन मैं येलो कलर पेंसिल से सिंपली सेड ऐड कर दी हूँ गोल्डन, क्योंकि यहाँ पे गोल्डन ईयर रिंग है इसलिए, एंड वाइट यूज़ करेंगे। जो डिटेल्स है उसको पहले हम लोग बना लेंगे, क्योंकि बाद में वाइट उतना अच्छा लुक नहीं देता जितना आप पहले यूज़ करके क्रिएट कर सकते हो। अगर आप पहले ही वाइट कलर पेंसिल यूज़ कर लेंगे ना, तो आपको वो कलर कर लेने के बाद भी जो आपने क्रिएट करा है वो आपको दिखेगा। तो इस तरीके से सिंपली कर लेना है, एंड आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा यहाँ पे हो पा रहा है। तो अब बस जो मैं बता रही हूँ वो आप टेक्निक को फॉलो करना, कलर कर लेने के बाद इस पर और शैडो क्रिएट करेंगे, डिज़ाइन ऐड करेंगे। तो सिंपली आप ब्राउन यूज़ कर सकते हो या फिर ब्लैक कलर पेंसिल यूज़ कर सकते हो डेप्थ दिखाने के लिए, शैडो दिखाने के लिए, ताकि थोड़ा रियलिस्टिक दिखे हमारा आर्टवर्क। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुका है, एंड अभी हम लोग बनाएंगे राधा जी का जो हेयर ब्रेड्स है दो। तो इसको कैसे बनाना है, एक बहुत ही अच्छा सा टेक्निक है जिसको फॉलो करोगे तो बना लोगे बहुत ही ईजिली। तो यहाँ सिंपली आपको सबसे पहले तो बिल्कुल शार्प किया हुआ ब्लैक कलर पेंसिल चाहिए, जिससे आप बिल्कुल पतला पतला हेयर स्ट्रोक्स दे सको। एंड यहाँ पे मैं जो स्पेस छोड़ दी हूँ बीच बीच में, वो मैं जानबूझ कर छोड़ी हूँ ताकि उसमें मैं हाईलाइट्स क्रिएट कर सकूँ, जो हेयर में साइन होता है वो मैं दिखा सकूँ। तो ब्लैक से शेड कर लेने के बाद यहाँ पे मैं यूज़ करी थी येलो कलर पेंसिल, एंड उससे मैं ब्लेंड कर दी जो हेयर में स्पेस बचा हुआ था वहाँ, एंड अच्छे तरीके से बिल्कुल ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड कर लेने के बाद अगेन ब्लैक कलर पेंसिल यूज़ करना है ताकि और डेप्थ हम लोग दिखा सके, और लास्ट में बस यहाँ पे वाइट कलर पेंसिल यूज़ कर लेना है एंड हाईलाइट क्रिएट कर लेना है, बिल्कुल मिडिल में देना है, मिडिल वाले पोर्शन में, ताकि जो हेयर है वो बिल्कुल रियलिस्टिक दिखे, एंड रेफरेंस पिक्चर के अकॉर्डिंग बस करते जाना है। तो काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ मैं कम्प्लीटली ब्रूस्ट्रो कलर पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, बैक्स बेस्ड कलर पेंसिल है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है एंड काफ़ी ईजिली हेयर बन पा रहा है। सेम प्रोसेस है, आप देख सकते हो पहले मैं यूज़ करी ब्लैक कलर पेंसिल, उससे मैं जो हेयर का जो स्ट्रोक्स है, जो डायरेक्शन है उसको फॉलो करते हुए शेड करी हूँ लाइट टू डार्क, जो इनर वाला पोर्शन है ना डेप्थ वाला पोर्शन वहाँ पे बिल्कुल शैडो देना है, ताकि एक अच्छा सा लुक आए, जो हेयर का जो पैटर्न है ना वो आए हमारे ड्राइंग में। तो बस काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं काफ़ी इजी टेक्निक से आपको बता रही हूँ जिससे आप भी काफ़ी परफेक्टली ड्रॉ कर पाओगे। यहाँ पे आपको शैडो लाइट का बहुत ध्यान रखना है, डेप्थ दिखाना है ताकि आपका जो आर्टवर्क है वो थोड़ा रियलिस्टिक दिखे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटलाइन आपको अच्छी तरीके से बनानी है, जो हेयर का है जो पैटर्न है ना हेयर का वो आप अच्छी तरीके से बनाना, क्योंकि जो आप आउटलाइन बनाओगे वही तो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा ना, जैसा आप बनाओगे आपको वैसा ही तो आप कलर कर पाओगे ना उसमें। तो आपको आउटलाइन का भी ध्यान देना है, जो डिज़ाइन है ना यहाँ पे हेयर का वो आप उसी तरीके से बनाना, तभी आप सिमिलर कलर कर पाओगे रेफरेंस के अकॉर्डिंग, एंड आपका आर्टवर्क अच्छा लगेगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, इसी तरीके से जो दूसरा वाला साइड है उसको भी हम लोग कर लेंगे। तो बस अभी आप ऑब्जर्व करो एंड देखो किस तरीके से यहाँ पे मैं हेयर कलर कर रही हूँ, एंड आई होप आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। तो गाइस हमने इस तरीके से एक साइड का तो कर लिया है, अभी दूसरे वाले साइड को भी कर लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले तो यहाँ फ्लावर वाला ये डिज़ाइन जो लटका हुआ है इसको हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ सिंपल सा यहाँ पे येलो सा फ्लावर था, सिंपल सा वो हमने बना लिया है सिंपली येलो ऑरेंज को यूज़ करते हुए। एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो फ्लावर का यहाँ पेटल्स का डिज़ाइन बना हुआ है उसको बनाने के लिए पहले वाइट कलर पेंसिल यूज़ करना है, एंड जो पेटल्स का डिज़ाइन होता है ना वो हमने बना लेना है, देन ऊपर से हमें पिंक शेड कलर पेंसिल यूज़ करना है, एंड वो भी पेटल्स का डिज़ाइन बनाते हुए हमें बना लेना है, एंड लास्टली डार्क शेड यूज़ करना है पिंक का, सिंपली शेड कर देना है, एक लेयर ऐड कर देना है जो हमने पेटल्स का डिज़ाइन क्रिएट करा है, एंड शैडो क्रिएट करेंगे, ब्लैक कलर पेंसिल यूज़ करेंगे, शैडो देंगे ताकि और रियल दिखे। एंड ये जो डिज़ाइन हमने क्रिएट किया है फ्लावर के, उसके आजू बाजू पे जो हेयर्स है उसको हम लोग बना लेंगे, एंड इस तरीके से ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड सिमिलर टेक्निक यूज़ करेंगे जो यहाँ पे हेयर ब्रेड्स है उनको बनाने के लिए।
तो चलिए एक बार फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे शार्प किया हुआ पेंसिल यूज़ करना है। अच्छे से शार्प करके जो हेयर का स्ट्रोक्स है, डायरेक्शन है, उसको फॉलो करते हुए सिंपली हमने शेड कर देना है, एक लाइन ऐड करनी है, स्ट्रोक्स लगाना है, जो आप समझो उस तरीके से कर लेना है। शैडो जहाँ पे है, डेप्थ है, उसको डेप्थ दिखाना है सिमिलर ब्लैक कलर पेंसिल को यूज़ करते हुए। एंड इसी तरीके से सारे को कर लेंगे। देन हम यूज़ करेंगे येलो कलर पेंसिल एंड उससे भी एक शेड ऐड कर देंगे। एंड जो हमने स्पेस छोड़ा हुआ है उसको अच्छी तरीके से फिल कर देंगे येलो कलर पेंसिल से, जो आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। एंड अच्छी तरीके से बिल्कुल स्मूथली ब्लेंड कर लेना है। एंड लास्टली हाईलाइट ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हेयर पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड जो हमने ईयर रिंग बनाया था उस पर थोड़ा हाईलाइट ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कैमिल का फैब्रिक एक्रेलिक कलर पेंट एंड ब्रश की हेल्प से इस तरीके से मैं शेड हाईलाइट ऐड कर दे रही हूँ जहाँ पर भी ज़रूरत है। तो इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हेयर हमें ड्रॉ करना है। एंड मैं मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।